इमरान खान की बनी गाला में अमरीकी रुकन कांग्रेस अलहान उमर के साथ मुलाकात। सोशल मीडिया सार्फीन ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कप्तान ने कहा था मेरे खिलाफ बैरून मुल्क में साजिश हुई और अब अमरीकी वफद से मुलाकात। सोशल मीडिया पर इमरान खान की अलहान उमर की मुलाकात पर नया तनाजा खड़ा हो गया। आइए जानते हैं सोशल मीडिया सार्फीन का क्या कहना है। सीनियर सहाफी हामिद वीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, एक तरफ से इमरान खान कहते हैं कि उनकी हुकूमत को अमरीकी साजिश के जरिए गिराया गया और दूसरी जानिब खान साहब ने एक अमरीकी वफद से मुलाकात की। हामिद मीर ने मजीद कहा, क्या खान साहब के मौकफ में तजाद नहीं? क्या उन्हें अमरीकी वफद के सामने मुबैना साजिश का जिक्र नहीं करना चाहिए था? अमरीकी खातून के साथ इमरान खान की मुलाकात पर पाकिस्तानी सहाफी और मेजबान आसमा शिराजी ने सवाल किया कि सहाफी और सियासतदान पर अमरीकियों से मिलने के इल्जाम लगाने वाले अब किस मुंह से अमरीकियों से मिल रहे हैं? दूसरी जानब इमरान खान को अमरीकी रुकन कांग्रेस अलहान उमर के साथ मुलाकात पर नई हुकूमत की तरफ से भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि इससे कबल पाकिस्तान के दौरे पर आई अमरीकी रुकन कांग्रेस अलहान उमर ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से उनकी रिहाइश का बनी गाला में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इस्लामोफोबिया और उससे मुतलका अमूर पर बातचीत हुई। अलहान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान के मौकफ की तारीफ की। मुलाकात में इमरान खान ने इस्लामोफोबिया पर अलहान उमर के जुरत मंदाना और असूली मौकफ को सराहा। अमरीकी रुकन कांग्रेस अलहान उमर और इमरान खान की मुलाकात पर आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें।